रामायण में एक जगह भगवान राम कहते हैं कि जो छोटा भाई है वो शक्ति है आपकी, वो बाजुएं हैं आपकी। तो जब मंगल की एनर्जी खराब होती है, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हम कहते हैं अपने छोटे भाइयों से, जब आप किसी के लिए कुछ समाज में देते हैं, रिटर्न करते हैं, चाहे अपने अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो एक जो सेंस है ना, जो फीलिंग है कि अरे हमारी वजह से किसी का भला हुआ, वो आपके गिल्ट को कम करती है। भगवद गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने कि आप जिस कार्य के लिए बने हैं या जो आपका मूल स्वभाव है, उसका आधा भी करोगे ना तो भी आप खुश रहोगे, रादर देन वो करने का जो दूसरे का मूल स्वभाव है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और होलिस्टिक हीलर नितिन कश्यप। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन। नमस्कार आचार्य। प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी के बारे में मैं बात करूंगी, जो कि आजकल लोगों के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। बिजनेस चल रहा है, एकदम ठप हो गया है, रिलेशनशिप आजकल बहुत ख़राब हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं और लव लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है, साथ के साथ हेल्थ भी बहुत ख़राब होती है। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जब इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है तो हम लोग कई बार अवॉइड करते हैं कि ठीक है लाइफ के चैलेंजेस है, ये हमें करना है करना है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर मुझे ये समझ में आ रहा है ये मेरे साथ गलत हो रहा है एंड मुझे इस पर कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, या मुझे अपने प्लैनेट्स के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे सुधार हो सके, तो मुझे अपने एनर्जी जो प्लैनेट की एनर्जी से उसको बैलेंस करना है, तो वो बैलेंस कैसे करें ताकि हमारे रिश्ते ठीक हो जाए, हमारी हेल्थ ठीक हो जाए, और उसके पीछे की क्या टेक्निक हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं कि इस चीज़ से जल्दी छुटकारा मिल जाए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है कि जो तीन चार क्वेश्चंस आपने कहे, मोस्टली लोगों की ये इशू रहते हैं, करियर ओरिएंटेड इशू, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, और ये बहुत बेसिक है, मतलब हर एक की है ही प्रॉब्लम ये वाली चीज। इन चार पांच में कहीं ना कहीं तो बंदा फंस जाता है। सो आपने बोला कि उसमें टाइम थोड़ा चैलेंजिंग है, अभी फिलहाल लग नहीं रहा है, तो फिर ये पहले तो कैसे काम करता है, ऐसा क्यों होता है, और फिर हम दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है क्लास और एक होती है फॉर्म। क्लास मतलब आप कितना बेहतर आपका अपनी तैयारी है। अब क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिकेट में एक आपका पोटेंशियल है कि मेरी क्लास बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे अच्छे शॉट खेल सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी फॉर्म लूज कर चुका, मेरा परफॉर्मेंस ग्रेजुअली गिर रहा है, और दूसरी तरफ मुझ में कुछ नहीं है, मेरी क्लास इतनी अच्छी नहीं है, बड़ा ही रॉ प्लेयर हूँ, रफ प्लेयर हूँ, लेकिन मेरा वक्त चल रहा है, मेरी तूती बोल रही है, क्योंकि अभी सब कुछ मैं जैसे करता हूँ वैसे ही हो जाता है। तो ये जो दो का अंतर है, ज्योतिष में भी हम इसको इसी तरह देखते हैं। कैसे? मान लीजिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं, आप इसकी बजाय किसी और व्यवसाय में चले जाते किसी और कारण से, कि वहाँ पैसा ज़्यादा है या और भी कोई रीज़न हो सकता है कि मैंने चेंज कर लिया। मन में और आपका जो स्वभाव, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो है इस कार्य के लिए, लेकिन अपने आपने पैसे के लालच में या किसी और वजह से अपने को किसी और काम में झोंक दिया। वो पीयर प्रेशर बोलते हैं ना, अरे यार फ्रेंड ने MBA कर लिया, अब मैं भी MBA कर लेती हूँ, बिना MBA के तो कुछ होगा नहीं, या इससे पहले IT का था, IIT का था। सो इस तरह से आपने अपने आप को नहीं पहचान कर या जानबूझ कर पहचानने के बावजूद आपने औरों के चक्कर में आके अपना पाथ चेंज कर लिया। जब आप ऐसी गलती करते हैं तो फिर वो टाइम, आप जो अपने भी टाइम की बात, चैलेंजिंग टाइम, वो आपको थ्रू आउट उस करियर में फील हो सकता है। ओके। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उसको मैच नहीं कर रही थी। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक डॉक्टर आए हमारे पास, MD, हाईली क्वालिफाइड, सब कुछ अच्छा, मुझे बोले सर मुझे डॉक्टर नहीं बनना था ना। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आपने MBBS किया, ये किया, क्या आई वॉन्ट टू बी पॉलिटिशियन, और मैं ना पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई, बिल्कुल डिफरेंट हो गई, और ही इज़ डूइंग गुड इन यू नो इन हिज फील्ड, मेडिकल फील्ड में अच्छा कर रहे थे वो। द ओनली इशू इज़ कि वो उसको खुश नहीं कर पा, अपने आप मन से वहाँ पर खुश नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, उनकी सोल सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर तो चलो उनका दूसरा व्यवसाय भी चल रहा था ड्यू टू अदर थिंग्स, लेकिन नॉर्मली जब आप किसी ऐसे कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसके लिए आप नहीं बने, तो आप फिर परेशान होते हैं।
भगवत गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने कि आप जिस कार्य के लिए बने हैं या जो आपका मूल स्वभाव है उसका आधा भी करोगे ना तो भी आप खुश रहोगे, रादर देन वो करने का जो दूसरे का मूल स्वभाव है। क्योंकि आप उसको कॉपी तो कर लोगे लेकिन बाद में आप उस पछताओगे, लॉन्ग टर्म तक के लिए उसे नहीं सस्टेन कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी कि मरकरी, थोड़ी देर के लिए आपको बता दूं, एनालिटिकल होता है, सोच समझ के निर्णय लेने वाला। अब वो डिफेंस में काम कर रहा हो व्यक्ति कोई, और बहुत हाई पोजीशन पर नहीं हो, जहां पर सिर्फ सीनियर की कमांड फॉलो करना ही एक सॉल्यूशन है, होता है ना इस आदमी में कि 1905 पर आप मुझे यहां मिले, कैसे भी आओगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, आपने आना है। वहां पर अगर कोई बहुत एनालिटिकल बंदा बैठा हो नीचे वाली पोस्ट पर तो वो परेशान होगा, सर ने क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये ऐसे भी कर सकते थे, इन्होंने ऐसा सोचा नहीं। वहाँ पर हमें मास की एनर्जी हेल्प करती है। अगर मंगल बलि होता तो हम कहते कि वहाँ पर वो सर ने कहा है, दैट्स इट, सेवा करनी है, सेवक हूँ मैं, बिल्कुल वहीं जाऊँगा, तो वहाँ पर वो सीधा जाता। तो यहाँ पर आपके मूल स्वभाव की वजह से उस जॉब में आप खुश नहीं रह पाएंगे। मैं जॉब का एग्जाम्पल इसलिए पहले ले रहा था। अब आपने कहा अगर प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं, रिलेशनशिप पर आते हैं, रिलेशनशिप की बात अगर करें तो उसमें जो एनर्जीज का हम काम करें, कई बार एक अच्छे कंपैटिबल कपल के बीच में भी बुरा वक्त आ सकता है, 2 महीने 6 महीने, कहते ही हैं दो बर्तन साथ रखते हैं तो बचते हैं, ऐसा कहा जाता है, मुहावरा बोला जाता है। तो हम क्या करते हैं आंचल जी, कुंडली देखकर पहले तो ये बताते हैं कि इशू फॉर्म का है, फॉर्म मतलब अभी थोड़ा 6 महीना खराब है, साल भर खराब है, बाकी तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या फिर तुम तो बिल्कुल इनकम्पैटिबल हो, तुम्हारे में कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, आज नहीं तो 8 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद आपको ये दोबारा फील होगा कि यार मैंने 10 साल इन्वेस्ट कर दिए इस रिलेशनशिप में पर ये बंदा तो वो है ही नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ज्योतिष कैसे हेल्प करता है, ज्योतिष पहले तो ये डिफरेंस बताने में हेल्प करता है कि भैया ये थोड़ी समय की परेशानी है, आप बने इसी काम के लिए बने हो लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। अब आपने सॉल्यूशन की बात की कि क्या हम इसके सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। देखिए एक आपने शायद सुना हो ये लाइन, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो भी इस यूनिवर्स में मौजूद है वो इस पिंड में मौजूद है, इस पिंड मतलब अर्थ पर मौजूद है, या जो भी इस पूरे कायनात में मौजूद है वो सब आपके अंदर भी मौजूद है, हम भी पिंड हैं तो हमारे अंदर भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम क्या करते हैं कि उस ग्रह से संबंधित जो हमारे आसपास वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उसकी कंजम्पशन, उसको इस्तेमाल करना, उस रंग को बढ़ाना, ठीक है, उसके उस ग्रह को कैसे और हम बल दे सकते हैं, उन डेटी के पास जाना जो देवता अलग अलग ग्रहों से जुड़े हुए हैं, इसके थ्रू हम उस एनर्जी को अपने शरीर में या अपनी लाइफ में बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कि चीज़ें सुधर जाएं। और अगर कोई ऐसी एनर्जी है जो मेरे लिए नेगेटिव है, मतलब मेरी पर्सनालिटी के साथ नहीं मैच कर रही है, मेरे प्रोफेशन के साथ मैच नहीं कर रही, उस केस में हम उसे डोनेशन के लिए बोलते हैं कि वो सारी चीज़ों से दूर रहो। वो सारी चीज़ें हो सके तो आप लोगों की सहायता के लिए दो, आपके पास अगर घर पर भी है तो लोगों में बांट दो। तो अगर आप जितना समाज को वो चीज़ें लौटाओगे, यानी जो आपके पिंड में है आप उसे छोड़ रहे हैं दूसरों के लिए, परमार्थ के लिए, तो वो चीज़ ग्रह उतना आपके लिए बेहतर हो जाए। तो ये जो आपने बोला कि क्या रेमेडी की जा सकती है, देखिए पहले हम अगर इसके कई सारे पक्ष हो सकते हैं, शुरुआत करते हैं रिश्तों से, पिता की सेवा करके सूर्य को बल दिया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके सीनियर आपके साथ व्यवहार सही नहीं कर रहे हैं, इसको समझते हैं पहले, नॉर्मली सीनियर के साथ कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब या तो मुझ में ईगो ज़्यादा हो, यारे सर ने मेरा मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, या सीनियर आपको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहा है, वो नेचर ही ख़राब। ऐसी स्थिति में पिता के आगे जब आप झुक जाते हैं कि भाई आप ही आपका हम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, आप पैर छू रहे हैं, आप उनसे आदर भाव से बात कर रहे हैं, तो आपकी ईगो कम होती है कि मुझसे पहले वाली जनरेशन ने तो ये किया, मतलब वो ईगो को कम करने के लिए हम कहते हैं पिता के पास जाइए। जब कभी चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी मिल रही होती है तो इमोशन, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन है, वो माँ का होता है कि भाई जैसा भी हो, खाना खाया कि नहीं खाया,
क्या कर रहा है, पूरा ध्यान रखना, नर्चरिंग जिसे हम बोलते हैं। तो हम कहते हैं माँ का पल्लू पकड़ लो, माँ के चरणों को हाथ लगाओ, माँ को खुश करो, बहुत बढ़िया है। रामायण में एक जगह भगवान राम कहते हैं कि जो छोटा भाई है वो शक्ति है आपकी, वो बाजुएं हैं आपकी। तो जब मंगल की एनर्जी ख़राब होती है, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हम कहते हैं अपने छोटे भाइयों से, आपके लिए जो फिज़िकल वर्कआउट कर रहे हैं, आप आजकल तो बड़ा न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, दो भाई नहीं होते हैं, भाई बहन हो गए या कुछ और हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं जो आपके लिए फिज़िकल लेबर कर रहे हैं, आपके लिए सामान उठा रहे हैं, कुछ इस तरह का है, उनके लिए कुछ करिए, उनके साथ कनेक्शन अच्छा करिए, आपको फ़ायदा रहेगा। वीनस का है तो महिलाओं के साथ आप सम्मानजनक व्यवहार करें, उनको आदर दें, वो आपकी वजह से परेशान ना हो, आपकी जीवन संगिनी है वो परेशान ना हो, इससे आपकी वीनस की एनर्जी ठीक होगी। तो ऐसे हर एक ग्रह को हर एक रिश्ते से जोड़ा गया है, और अगर हम एक बिना किसी उपाय के अपने सभी रिश्तों को ढंग से निभा लें तो आपके नवग्रहों के उपाय तो वैसे ही हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, ये बहुत बेसिक एटिकेट्स है कि मतलब आपको अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, आपको प्यार से बात करनी है, आपको महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है, ये बहुत बेसिक एटिकेट्स हैं। और अगर ये भी इंसान के अंदर नहीं है तो सोच सकते हैं कि मतलब मतलब कि क्या फिर, मतलब इंसान कहलाने लायक ही नहीं रहे ना वो। तो ये सुन के भी बहुत वो लगता है कि अगर किसी के अंदर ये ग्रह नहीं है तो पहले उनको अपने ठीक करने के लिए पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करनी है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को बहुत बेसिक चीज़ें एटलीस्ट समझनी चाहिए। हाँ, और जो लोग करते थे, अब देखिए आपने कहा आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम ज़्यादा है, आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, आजकल ही क्यों है, क्योंकि ग्रेजुअली हम वो एटिकेट्स भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, पहले जॉइंट फैमिली का कल्चर था, दादा दादी क्या, चाचू क्या, ताया क्या, सबके साथ रहते थे। और फिर कुछ चीज़ें, जैसे आपने अभी एक बात कही थी कि ये करिए, आप ये रिस्पेक्ट कीजिए, आपको एक तरह से ईगो आपको हटेगा जब आप किसी की झुक करके उन्हें प्रणाम करते हैं। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे कुछ टाइम ये विधि करनी है, ये उपाय करने हैं, उसके बाद देखा जाएगा जो भी है। मुझे आपने एक किस्सा याद दिला दिया। एक महिला आई, उसको चंद्रमा की वजह से प्रॉब्लम आ रही, मतलब वो जो आपने नेगेटिव एनर्जी कहा, तो नेगेटिव एनर्जी वो मून की कुछ एनर्जी उसके साथ मैच नहीं कर पा रही। ओके। अब मैंने बोला आपकी माताजी हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं माताजी तो नहीं है। मैंने कहा मदर इन लॉ हैं, कह रहे हाँ है। मैंने कहा उनके पैर छुओ, उनको चांदी की पायल दो और कुछ सामान और था सामग्री, क्योंकि सामग्री भी अलग अलग रहो, वो सब उनको बताया। तो उनके हस्बैंड आए, कह रहे सर ये तो दे देगी, वो नहीं लेंगी, पहले तो ये नहीं देंगी, अब लेकिन आपने कहा, जो आपने कहा ना कि मेरा काम पूरा होने के लिए मैं तो किसी के भी आगे, वो क्या कहते हैं गधे को भी बाप बना लेते हैं मुसीबत में। तो वो लेडी कहने लगी नहीं मैं दे दूंगी, मैं मम्मा के पास जाके कर दूंगी, जबकि उनमें टॉकिंग टर्म भी नहीं थे। तो वो मुझे बोले, उनके हस्बैंड कहे सर ये दे भी देगी ना तो मेरी मम्मा यूज़ ही नहीं करेगी, वो कहेगी पता नहीं क्या करवा के आई है, क्यों दे रही है, क्या है, क्योंकि इसके बिहेवियर में वो है ही नहीं नेचर में। तो जो अभी आपने कहा कि रेमेडी भी तभी काम करेगी जब आप दिल से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ सकाम और निष्काम, हमारे ग्रंथों में दो शब्द आते हैं, मतलब विद ऑब्जेक्टिव विदाउट ऑब्जेक्टिव। सो सकाम कोई कार्य करते हैं तो उसका फल शायद थोड़े समय के लिए मिल जाए, लेकिन वो काम पूर्ति के बाद लोग मन्नत के धागे नहीं बांधते कि ये काम हो जाए, ये काम करेंगे। अरे प्रभु तुम्हारे लिए सदैव वहाँ पर है, वो काम नहीं भी होगा तो भी वो तुम्हारे लिए बैठे हैं वहाँ पर। तो ये मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं। मैं यहाँ पर मन्नतों का धागा बांधे जा रहे हैं कि भैया काम होगा ना तभी आएंगे, इतने लड्डू चढ़ाएंगे, इतने वो करेंगे। और इसी में एक मुझे लगता है कि एक नॉर्मल इंसान का भी एक ये सवाल होगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी के पास जब भी जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो उनसे उपाय तो हर कोई मांगता है कि उपाय दीजिए। फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को हमने सुना है कि आप गाय को ये खिलाइए, या फिर आप काले कबूतर को या काले कुत्ते को ये दीजिए, तो क्या ये सच में काम करते हैं? अगेन, जो मैं यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे का एग्जांपल दे रहा था, उस केस में जो जो आसपास आपके चीज़ें मौजूद हैं, ज्योतिषीय प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि ये चीज़ें इन इन ग्रहों को इंडिकेट करते। Okay. जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि अगर पुष्प में मुझे ढूंढना हो तो मैं ये पुष्प हूँ, अगर मुहूर्त में मुझे ढूंढना हो तो मैं अभिजीत मुहूर्त हूँ। अपने आप को बताते हैं कि किस किस स्वरूप में तुम मुझे देख सकते हो। वैसे ही अलग अलग ग्रहों के लिए बताया गया कि इनके लिए ये सामग्री है, ये जीव है, ये लोग हैं।
तो हम बिल्कुल करवाने से लाभ होता है। इसके दो फायदे हैं। पहला ये कि जब आप किसी के लिए कुछ समाज में देते हैं, रिटर्न करते हैं, चाहे अपने अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो एक जो सेंस है ना, जो फीलिंग है कि अरे हमारी वजह से किसी का भला हुआ, वो आपके गिल्ट को कम करती है। जो आपने कहा था कि सेवा भाव देना ही चाहिए। करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो गिल्ट आपकी कम होती है, तो आपके मन से अगर बोझ कम होगा तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे और चीज़ें और अच्छे ढंग से होंगी। तो ये वही है कि आत्मा के ऊपर जो आपने प्रेशर डाल लिया है, जो है उसको लूज करने के लिए दान के थ्रू आप उसको करें, तो हाँ, रेमेडियल मेजर काम करते हैं। ये बिल्कुल सही बात।